ओडिशा उधर से लेके हमारा जो बॉर्डर है झारखंड के बॉर्डर से लेके छत्तीसगढ़ तक जो दौरा लगाए हैं उसमें सारा ओडिशा को एक मैसेज देके गए। केवल ओडिशा नहीं सारा हिंदुस्तान को ये मैसेज चला गया कि आने वाले जो 2024 चुनाव आने वाला है इस चुनाव में जो मोदी सरकार ने इधर उधर करके लोगों को भड़का रहा है बड़ा बड़ा सपना दिखा रहे थे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे 15 लाख घर घर देंगे बुलेट ट्रेन चलाएंगे हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज देंगे कहाँ गया ये सब ये सारे लोगों को पता चल गया है। राहुल 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 जो तूफान आने वाला लग गया है आने वाला हो गया है हर एक एक करके एक एक राज हो गया आज 8-9 स्टेट कम्प्लीट करके जो आ चुके हैं देश गांधी परिवार से महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक लड़ाई करके देश की एकता अखंडता को बजाय रखे हैं जिस परिवार ने इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी दोनों परिवार इस देश की एकता के लिए कुर्बानी उसी पीढ़ी से आए राहुल गांधी नौजवान का जो धक्का हिंदुस्तान का बोले को में फैल गया है आज कि आने वाले जो लड़ाई होगा 2024 ये भाजपा और कांग्रेस पक्का यहाँ से जीत के जाएंगे चारों तरफ से बाई चांस हम लोग हार गए यहाँ छत्तीसगढ़ में सारा उम्मीद था सबको पूरा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ पहले जीत के जाएगा बोल के थोड़ा इधर भाजपा वाला इधर उधर करके इधर तो मोनोपोली करके जीत गए ठीक है हाथ जीत तो लगा रहता है लेकिन आने वाले जो चुनाव होगा इसमें छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे आपके पड़ोस में हम रहते हैं ओडिशा में मैं ओडिशा के वासियों की तरफ से आपको भी याद दिलाता हूँ आने वाले जो 2024 होगा ओडिशा में भी हम सरकार बनेंगे राहुल जी का नेतृत्व में सेंटर में भी बनेगा केंद्र में जो भाजपा सरकार है उसको हमको भगाना होगा नहीं तो गरीब आदमी लोगों का यहाँ रहने का मुश्किल हो जाएगा जो कुछ भी किया है आज तक खाली सपना दिखा रहे भारतवासियों को बड़ा बड़ा सपना दिखा रहा है ये मोदी ना भाजपा ना काम ना धाम जय श्री राम कोई काम नहीं धाम नहीं गरीबों के लिए चिंता नहीं फिक्र नहीं चारों तरफ से इस तरह पड़े हुए हैं सारा हिंदुस्तान का लोग इस तरह को जो डाउन करके रख दिया है पिछड़े वर्ग लोगों को आदिवासी को दलित लोगों को उनको जवाब देना होगा सबको आगे बढ़ना पड़ेगा राहुल जी का नेतृत्व में आने वाले 2024 में सेंटर में सुनिश्चित कांग्रेस का सरकार बनेगा राहुल जी प्रधानमंत्री बनेगा मैं हाथ से आप लोग को बोल देता हूँ आप लोग का शक्ति कांग्रेस का शक्ति है आप अब एक एक कांग्रेस कर्मी हमारा ये भाजपा का मंत्री के साथ बराबर भी नहीं है ये भाजपा जो मंत्री है हमारा एक कांग्रेस कर्मी उनको मुकाबला कर सकता है बाकी नेताओं का तो बाद में बात का बात है और हमारा एक कर्मी उनको भगा देगा भाजपा का और दोनों ही यहाँ काम करने वाले आए हैं इसीलिए ना भाजपा इसीलिए हमने पहले दिन से बोल दिया था ना काम ना धाम जय श्री राम आने वाले पीढ़ी जो आ रहे हैं नौजवान को लेके सारे लोगों को लेके अभी जो लड़ाई करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी ने ये केवल अकेले गांधी परिवार के लिए नहीं ये सारा हिंदुस्तान का 100 करोड़ लोगों का सबका दिल से कैसे आगे बढ़ेंगे उनके लिए लड़ाई न्याय का लड़ाई आर्थिक लड़ाई सामाजिक लड़ाई जो राजनीतिक लड़ाई करेंगे इनके लिए जो लड़ रहे उनके सारा हिंदुस्तान का लोग राहुल जी का हम साथ है ओडिशा के प्रभारी हिसाब से मुझे जो मौका दिया गया इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और राहुल गांधी जी ने जितना टाइम दिया वहाँ ओडिशा में 2-3 दिन तक हमारा सारे ओडिशा के लोग बहुत खुश है उनके जो आए ओडिशा में उनका पावन धाम जगन्नाथ धाम पर जो पावर होगी इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से ओडिशा वासी की तरफ से उनको बधाई देता हूँ प्रभार प्रकट करता हूँ नमस्कार जय हिंद।